उत्तरी का गिरा हुआ है फ्रेंड्स, गिरा हुआ है। अब से सुफ सुफ आदस मिया मिया आदा सेम सेम समक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी अपने मजरा में और देख रहे होंगे आप लोग हमारा रूम है इधर, और अभी निकला हूँ बाहर और आज चल रहा हूँ सांपों के घरों में, मतलब जो उनकी एरिया है, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ सांप कहाँ से निकलते हैं फ्रेंड्स। और मेरा कुछ काम भी है, वो बोला है हमारा कपिल कि उसका एक सांप पकड़ने का एक जुगाड़ बना रखा है, तो बोला है कि उसमें जाके देख लेना कोई सांप उप गिरा तो नहीं है ना। तो 10 दिन पे, 5 दिन पे, 8 दिन पे उसका जब भी मन करता है तो बोलता है कि जाके देखो। तो मैं चलूंगा देखने और आप लोगों को भी दिखाऊंगा उसमें सांप है या नहीं है, वो भी दिखाऊंगा, और सांप यहाँ कहाँ पे रहते हैं वो भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इधर भी एक बहुत दूरी पे एक है मजरा, जो टंकी टंकी के बाद है एक छोट, मतलब वो थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ देखिए जो हाइट है, यहाँ हाइट है वो घर है, लेकिन थोड़ा मतलब कि वो नीचे है, इसलिए उसका ऊपर का जो लिंटर वही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ यहाँ पे देख लिए, वहाँ पे कोई भी सांप उप नहीं निकलता है। और इधर जो दूर दूर तक घर देख रहे हैं, यहाँ जो सामने है घर, ये तो हमारे कपिल का है, और वो जो दूसरा घर देख रहे हैं बीच में, ये इसका बेटी का घर है, मतलब बेटी का शादी किया है। और देखिए वो जो उधर सामने दिख रहा है एक इधर वाले घर को, तो जो इधर वाला है फ्रेंड्स, इधर वाला जो घर है ये इसके बेटे का ससुराल है। ये देखिए बेटे का ससुराल है हमारे अंगुली के सामने, और ये यहाँ पे बेटी का घर है, और ये हमारे कपिल का घर है, और जो इसके पीछे एक जो दुतल्ला घर दिख रहा है ये इसके बड़े भाई का घर है। और आपको दिखाता हूँ एक, देखिए वहां पे जो एक टंकी दिख रही है, देखिए जूम किया हूँ, टंकी के पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा है, और इधर थोड़ा सा पेड़ और दिख रहा है, जो वो मजरा है इसका, वो भी इसी का भाई है। तो वहां पे एक बंगाली रहता है फ्रेंड्स, वो काम करता है। और चलिए अभी आपको और भी दिखाता हूँ, जिसलिए वीडियो बना बना रहा हूँ वो चीज आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये जो सांप कहाँ से मतलब निकलता है, अच्छा हाँ, ये सब मैं इसलिए बताया कि वहां पे भी सांप नहीं निकलते हैं, यहाँ पे भी सांप नहीं निकलते हैं, उधर भी सांप नहीं निकलते हैं, एक जो चाचा आते हैं उधर पीछे मजरा है वहां से भी सांप नहीं निकलते। आखिर क्यों हमारे ही पास सांप निकलते हैं और क्यों हमारे ही पास बिच्छू निकलते हैं? तो आप लोगों को वजह दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, इसी वजह से निकलते हैं। चलिए आपको दिखाऊं, अगर ऐसे रंबल रंबल है तो थोड़ा कम चांस है सांप निकलने का, लेकिन अगर इस तरह से रहेगा तो ये तो एक तरह से समझिए कि सांपों का घर है। तो इसमें मैं जल्दी जाता नहीं हूँ, अभी तो मान लीजिए दिख रहा है चारों तरफ तो जा रहा हूँ, नहीं तो मैं इधर नहीं जाता हूँ, जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाता। अब इधर जाने का क्या है भाई, इधर से निकल के हमारे रूम तक आ जाते हैं सब। एक दिन रात में मैं निकला फ्रेंड्स, तो बाहर निकला एक दिन रात में, तो देख रहा हूँ हमारे दरवाजे के पास आके ऐसे चढ़ रहा है ऊपर सांप। तो ये देखिए, अब ये बताइए ऐसे, ये पुराना मजरा था, यहाँ से लेके एक बहुत दूर सामने एक पेड़ दिख रहा है उसके उधर तक है अभी, ये सब मजरा था फ्रेंड्स। और ये देखिए किस तरह से हमारा, जैसे हमारा कफील है तो उसका जब नौकरी लगा फौज में, तो 25 साल तक वो नौकरी किया, और इधर जो आमिल था एक आदमी था तो उसको छोड़ करके चला गया, और वो आमिल कुछ दिन बाद उसका तबीयत खराब होने लगा, वो चला गया इंडिया, इंडियन इंडियन ही था, कोई सुरेश नाम का कोई आदमी था, वो चला गया इंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स ये मजरा इसी तरह से ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि इसका नौकरी था उधर, नौकरी छोड़ के ये आता नहीं, बच्चे छोटे थे पढ़ रहे थे सब, तो इसलिए मजरा सूख गया, 25 साल तक इधर नहीं आया। और पता नहीं कैसे ये 25 साल में ये 3 पेड़ बच गए हैं, तो इसमें पानी उनी डालता रहता हूँ। और ये देखिए इसमें सांप निकलेंगे नहीं तो क्या होगा, देखिए इसमें सांप बिच्छू कौन कौन से जीव नहीं निकलते हैं। ये देखिए पता नहीं कौन सा पौधा है, पूरा कांटा है। अभी और भी आप अभी आगे आप लोगों को और भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए ये खजूर है, जो कि कोई खास नहीं है, और ये भी खजूर है, ये खजूर नहीं है, इसका मतलब जेंट्स लेडीज जो होता है मेल फीमेल, तो ये मेल है, और इधर देखिए फीमेल है। ये एक खजूर है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये देखिए। तो अभी चलिए दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर घुसा हूँ और आप लोगों को दिखा दूँ, ऐसे मैं जल्दी आता रही हूँ, और आज आया हूँ तो फ्रेंड्स बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ से लेकर के वहां तक, तो फ्रेंड्स इन्हीं सबों में सांप रहते हैं सब, और कब यहाँ से निकल के कब हमारे रूम तक या हमारे कफील के रूम तक पहुंच के चले जाएंगे, ये देखिए कोई गारंटी नहीं है।
और आगे एक जुगाड़ बनाया हुआ है उधर, तो मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और इधर भी ये बीच में भी इधर भी बनाने वाला था लेकिन बनाया नहीं, पता नहीं क्या वजह हो गया, इन्हीं सब में रहते हैं सब फ्रेंड्स देखिए। और इधर पता नहीं कौन से स्नेक रहते हैं, मैं तो कई बार मार चुका हूँ फ्रेंड्स और दिखाया भी हूँ आप लोगों को। इधर खड़ा हूँ फिर भी मुझे थोड़ा शक हो रहा है। और इन लोगों को, इन सांपों को ऐसे एक इधर और एक इधर सींग रहता है, और इनकी दांत तो इतना लंबा लंबा होता है फ्रेंड्स, उनके दांतों में ऐसे लकड़ी से फंसा के उठा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर बिल बनाया है लो, ये देखिए कितना मोटा मोटा, ये देखिए ये बिल बनाया लो। पता नहीं चूहा हुआ तो है ना इधर, वो गोटी की तरह होता है लोगों क्या बोलते हैं, हाँ संडा, संडा होता है इधर बहुत ज्यादा। और संडा फ्रेंड्स ये सब तो पकड़ पकड़ के खा लेते हैं। ये हमारा जो हमारा बुढ़ा कपिल है वो क्या बोलता है, अब से सुफ सुफ आदस मिया मिया आदम सेम सेम समक मिया मिया, तो ये बोलता है फ्रेंड्स कि मतलब कि बहुत अच्छा लगता है और ये एकदम मछली की तरह लगता है। समक बोलते हैं लोग मछली को, ये बोलता है कि एकदम मछली की तरह लगता है, तुम भी खाओगे? मैं बोला नहीं नहीं तुम खाओ जी, मैं नहीं खाऊंगा पता नहीं तो अभी आ गया हूँ इधर आपको दिखाऊं फ्रेंड्स किस तरह से बनाया हुआ है जुगाड़, जो अभी पता नहीं सांप गिरे हैं सब कि नहीं, अगर गिरे होंगे तो इसको मैं फोन करूंगा, आएगा हमारा बुढ़ा कपिल, और नहीं अगर गिरे होंगे तो कोई बात नहीं है, कल बता दूंगा इसको। इसीलिए देखिए इधर नहीं आता हूँ अभी। ये देखिए इधर तो लगता है जैसे जंगल ही बन गया है। और यहाँ देखिए ये इसका जमीन है जैसे, और इसके जमीन के ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री ये लोग देखिए कैसे बनवा रखे हैं। ये है वो जाली है तार की, ये बहुत दूर दूर तक है लंबा लंबा। और ये देखिए इसके अंदर कुछ भी रह सकता है। और इसमें कभी कभी फ्रेंड्स आती है सब ना, तो इसमें अगर बकरियां जैसे कुछ अगर खा रहे हैं सब इसके अगल बगल में, तो इसमें बकरियां फंस जाती हैं। जब इसमें बकरियां फंस जाएंगी ना तो निकल नहीं पाएंगे, उनको निकालना पड़ता है पकड़ करके। क्योंकि यहाँ आपको दिखा दू, यहाँ देखिए ये कांटा इधर उधर थोड़ा भी तनिक भी इधर उधर होती है सब, तो कांटा गड़ जाता है, तो बाह इसी में करती है सब, फंस जाती है सब। और यकीन नहीं है बहुत सारा ये सब वही है सब, अगर मान लीजिए इसमें हरा भरा कुछ देख के अगर घुस गए सब तो इसमें वो फंस जाएंगे, और इसमें फंस जाएंगे तो निकल नहीं पाते हैं, उनको बिना निकाले निकल नहीं पाएंगे, इसी में खड़े रहेंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे सब। और यहाँ देखिए वो घर है हमारे कपिल का, और ये है मजरा फ्रेंड्स, और वो है हमारा घर बहुत दूर दिख रहा है, और ये बीच में बकरियों का घर। और ये इतना तरीके से बनवाया है, इधर मैं काम जब करता हूँ ना तो ऐसे घर से निकल के दिन भर में देखता रहता है कोई नहीं, हमको तो मान लीजिए काम करने आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इतना काम करता हूँ, यही सोचता हूँ फ्रेंड्स इतना काम करता हूँ फिर भी देखने की क्या जरूरत है, मतलब शक करने की क्या जरूरत है, जब मैं बैठता ही नहीं। आज तक जो भी काम बताता है मैं काम खींच देता हूँ, गर्मी और धूप नहीं देखता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों शक होता है कि जब भी मैं ऐसे देखता हूँ ना, तो जब मैं इधर देखता हूँ मजरे में काम करता हूँ, काम करते करते जब उधर देखता हूँ कि देख तो नहीं रहा ना, तो 10 बार देखूंगा तो 10 बार में एक बार जरूर देख रहा है हमको ये बात हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बनाया हुआ सांप का जो जुगाड़ होता है, जुगाड़। और यहाँ देखिए ये देखिए पहले बता दूं, ये मोटा सा पाइप है जो ये एक मीटर अंदर है, और इसके अंदर सुराख करके ये पतला सा पाइप इसके अंदर घुसा करके और पेच कर दिया गया है, ताकि इसके अंदर बिल समझ के अगर कोई चीज घुसता है स्नेक या कोई भी जीव जहरीला, तो जाके उसके अंदर गिर जाएगा। और उसके अंदर जब गिर जाएगा फ्रेंड्स, उसमें कोई केमिकल डाला है लोग जो अच्छा लग मतलब वो क्या बोलते हैं सुगंध देता है इन लोगों के लिए, तो ये जो उसमें घुस जाएंगे ना तो उसमें से निकल नहीं पाएंगे। ये जुगाड़ अच्छा है, तो अभी देख लूं, और आपको भी मैं सोचा इस पे वीडियो बना दूं, आप लोग भी देखें, और जिधर सांप हैं उस तरफ आप भी ये जुगाड़ ऐसा बना सकते हैं फ्रेंड्स अपने यहाँ। तो ये फूल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, तो वो तिलका गिरा हुआ है फ्रेंड्स, गिरा हुआ है वो तिलका ये, लेकिन स्नेक नहीं है,
कुछ और जीव है। ये देखिए, वो बिना खाना पानी का वो लगता है मर जाएगा। मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, जैसे बीज खोपड़ा होता है अपने यहाँ फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे गिरा हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग, उसी की तरह है। पता नहीं कौन सा जीव है, तो ये जहरीला है या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो निकल नहीं पाएगा मुझे पता है, और मैं बताऊंगा कल इसको, मैं अपने बुढ़ऊ को कल बताऊंगा, कपिल को, देखते हैं कैसे निकालेगा नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, दिल से कह रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।